वो आजकल घर घर का मसला है. मतलब अच्छे बाल होना, अच्छी स्किन होना हर खातून चाहती है. इनफैक्ट मर्द हजरात की ख्वाहिश होती है, लेकिन आज हम ज़्यादा खवातीन को फोकस में रखेंगे, क्योंकि जब हमारे बाल गिर रहे होते हैं हम कहते हैं कि मौसम ऐसा है बाल गिर रहे हैं, लेकिन ये पूरा साल ही मौसम रहता है, मुझे तो लगता है. और अच्छे बालों और अच्छे स्किन के लिए आपकी डाइट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है. आज हमें ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट हैं उमर फरवा, उनको हम वेलकम करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग उमर फरवा. कैसे हैं आज उमर फरवा? अच्छे बाल अच्छी स्किन हर खातून की ख्वाहिश होती है, पर थोड़ा चैलेंजिंग हो गया आज के दौर में. बिल्कुल हो गया, क्योंकि कुछ डाइटरी हैबिट्स चेंज हो गई, स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो गई, और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अक्सर ही स्पेशली समर्स में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा जो इशू है ना, एक तो एक्ने का बहुत नज़र आता है और एक हाइपर पिगमेंटेशन, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है. उसकी जो एक्ने तो यूजुअली बच्चों को ना प्यूबर्टी में, हमें टीन एज में स्टार्ट हो जाती है, लड़के लड़कियों दोनों में होती है, और ज़रूरी नहीं सभी को हो, लेकिन वो उसी अगर पॉइंट पे ट्रीट कर ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है. लेकिन कई लोग होते हैं जिन्हें लाइफ लॉन्ग चलती है, उन्हें एडल्ट एक्ने भी होती है और रूटीन में होती चली जाती है. उसमें कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनसे एक्ने एग्रेवेट करती है. दूसरा, जब एक्ने का ट्रीटमेंट कोई करवाया जा रहा हो तो उसमें यूजुअली एक मेडिसिन दी जाती है आइसोट्रेटिनोइन, उसको हमेशा खाने के साथ खाना चाहिए. उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है, यूजुअली 3 to 6 मंथ्स उसको लग जाते हैं. उसमें यह है कि वो आपकी एक्ने को रूट से ख़त्म करता है, लेकिन उसकी अब्जॉर्प्शन खाने के साथ ज़्यादा अच्छी होती है. लेकिन इसके साथ फिर ये होता है कि स्किन ओवर ड्राई होनी शुरू हो जाती है. तो विटामिन ई सप्लीमेंट्स यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट दे देते हैं, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी देते. तो अगर नहीं दिया तो मेक श्योर करना चाहिए कि हम डाइट से विटामिन ई ले रहे हों, या आप अपने डॉक्टर से बात करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं. अदरवाइज लिप्स और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. इसी तरह अब हम लड़कियां हैं, हमने मेकअप तो करना है, और मेकअप के बाद हम क्लेंजिंग वगैरह भी करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि स्किन ओवर ड्राई हो जाती है. जब स्किन ओवर ड्राई हो जाती है तो स्किन के जब नेचुरल ऑयल्स नहीं प्रेजेंट होते, आपका ग्लो चला जाता है. एक जो नेचुरल ग्लो है स्किन का, उसको भी मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि अब बहुत सारे लोग हैं, अक्सर हम ऑनलाइन भी जब सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा एलोवेरा आप यूज़ कर लें स्किन के लिए, आप टर्मरिक यूज़ करें, आप उपटन लगा लें. तो ये हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है, हर किसी को सूट नहीं करता. नहीं करता है. कुछ लोग तो बेसन भी लगा लेते हैं, मुझे भी किसी ने कहा और एक बार मैंने लगाया तो स्किन का हशर हो गया. हर एक को सूट नहीं करता. इवन एलोवेरा जो है वो भी मुझे नहीं सूट करता. मेरे घर में एलोवेरा प्लांट है, मैं नहीं लगा सकती. मुझे लगता है अगर मैंने लगाया मेरी स्किन पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है. तो हर किसी की स्किन के लिए ये जो जितने भी, मतलब हम ये फूड देखते हैं ना, हाँ खीरा अच्छा है अगर आपने समर्स में उसे यूज़ किया तो वो अच्छा है, लेकिन ये समझ लेना कि हमने एलोवेरा या एप्पल साइडर विनेगर इसको अपनी एक्ने पे या स्कार्स पे, लेमन इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, कभी भी नहीं करना चाहिए. डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं. और ये बहुत सारे आपको कॉमनली मिलते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो उस पर आपको लिस्ट मिलती है, उसमें लिखा होगा कि जी आप ये ऐसा करें, एप्पल साइडर विनेगर को हनी में मिक्स कर लें, सिनेमन को हनी में मिक्स कर लें और मुंह पे लगा लें और डायरेक्टली अप्लाई कर लें. वो आपकी स्किन को और ज़्यादा इरिटेट कर देता है. और वो जो आपका एक अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं अच्छा भाई आप ये मेडिसिन वाला तो एक ट्रीटमेंट ले रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ टोटका भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन ये चीज़ें आपको वैसे खाने में हेल्प ज़रूर करती हैं. कीड़ा लगाने आप खा लें उसको, हाँ खा लें वो ज़्यादा अच्छा है. लेकिन अगर वैसे भी आप उसका मास्क लेते हैं ना कीड़े का, वो अच्छा होता है, टोमेटोज का अच्छा होता है. लेकिन ये आपने नोट किया होगा इसके बाद ना स्किन थोड़ी सी खिंची खिंची, थोड़ी टाइट फील होती है. लेकिन अगर आप इन चीज़ों को खा लें तो आपकी स्किन फाइबर की वजह से और जितने इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी वजह से ग्लो भी करेगी और क्लियर भी रहेगी. फिर होता ये है कि जब जिन लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन, अक्सर आपने देखा होगा छाइयाँ पड़ जाती हैं, और समर्स में ज़्यादा ये होता है कि हम इस डर से निकलते नहीं, या सन ब्लॉक यूज़ करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, और सन ब्लॉक्स यूजली ऑयली होते हैं और उसके साथ स्किन पर और ऑयल आना शुरू हो जाता है. सन ब्लॉक तो एक नीड है, अगर आपका सन एक्सपोजर आपको यूज़ करना चाहिए. लेकिन उसके साथ ये कि हाइपर पिगमेंटेशन से वैसे बचने के लिए विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए आपका. अगर आपकी डाइट में विटामिन सी वैसे ही ज़्यादा है तो स्किन लाइट रहेगी उससे. जिन लोगों को छाइयाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं या फ्रेकल्स आने शुरू हो जाते हैं, यूजुअली फेयर स्किन वालों को ये वाला इशू होता है, तो उसके लिए विटामिन सी जो है वो सप्लीमेंट फॉर्म में भी मिलता है, उसकी टैबलेट्स भी होती हैं. फ्रूट्स में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, अगर कच्चे फल और आपने सब्ज़ियाँ यूज़ की हैं फ्रूट्स में ज़्यादा होता है. लेकिन उसके लिए भी ये है कि विटामिन सी अगर तो बॉडी में बहुत एक्सेसिव होता है तो वो आपकी बॉडी से वैसे ही एक्सक्रीट आउट हो जाता है आपकी, अगर वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है. इसके अलावा फिर आ जाता है बालों का इशू और स्किन का, जिनके एक्ने लीजन्स हैं और स्किन में क्योंकि रिपेयर होना है
तो प्रोटीन का इंटेक उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम फैट्स को डिस्करेज करते हैं कि ज़्यादा फ्राइड फूड्स मत लें, क्योंकि जो आपके ऑयल ग्लैंड्स हैं उसकी वजह से आपको एक्नी जो है सीबम प्रोडक्शन हो रही होती है। तो उसमें ये कि कोशिश करनी चाहिए कि फैट्स का इंटेक कम लें, कम चिकनाई वाली चीज़ें, लेकिन जो हम नट्स से फैट लेते हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें विटामिन मिनरल्स बहुत अच्छी एक फॉर्म में होते हैं, वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। हेयर फॉल का जो इशू है और स्किन की रिपेयर का, उसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए। बालों के लिए हम जब भी हमारे बाल गिरना स्टार्ट होते हैं हम ज़्यादा फोकस करते हैं टोटके कर लें, ट्रीटमेंट्स करा लें, हम ये नहीं देखते कि हमारी डाइट में क्या ऐसी डेफिशिएंसी है जिससे बाल गिर रहे हैं। उसमें क्योंकि देखें कि आपने अक्सर लोगों के साथ ऐसे होता है कि देखें हम ऑयलिंग बहुत ज़्यादा करते चले जा रहे हैं, कई लोगों को डैंड्रफ का भी इशू होता है और डैंड्रफ कुछ केसेस में जो है वो फंगस होती है और उसके ऊपर ऑयलिंग नहीं करनी होती। अगर तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवाएं तो यूजुअली वो ऐसी कंडीशन में ऑयल्स को डिस्करेज करते हैं और उसके लिए स्पेशल शैम्पूज होते हैं जो कि आपको फार्मेसीज से मिलते हैं। अगर तो आपका डैंड्रफ का इशू चल रहा है तो उसकी वजह से कुछ लोगों को अच्छा खासा हेयर फॉल और हेयर लॉस हो जाता है अगर उसको आपने टाइमली जो है ट्रीट नहीं किया। स्टिल ये है कि जब आपको हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू होता है तो लोग उसके लिए बायोटिन के कैप्सूल जो है वो लेने शुरू कर देते हैं, पेंटोथेनिक एसिड के लेने शुरू कर देते हैं। तो कुछ केसेस में होता ही है कि जब हम इनको खाली लेते हैं ना तो कुछ लोगों को एक्ने ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों को हमेशा कॉम्बिनेशन फॉर्म में लेना चाहिए सप्लीमेंट्स को। सप्लीमेंट कभी भी कंसल्ट किए बगैर मत लें, क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में होते हैं ना तो एक तो ये एक दूसरे की अब्जॉर्प्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अब्जॉर्प्शन इन्हेंस करते हैं और एक बॉडी में बैलेंस क्रिएट करते हैं। जब भी आपका हेयर फॉल का इशू चल रहा होता है तो उसमें यूजुअली सिर्फ बायोटिन की कमी नहीं होती, उसमें आपका अक्सर आयरन भी इन्वॉल्व होता है कि आयरन की कमी थी, प्रोटीन की थी, क्योंकि बाल ने आपके रूट से ग्रो करना है। हम टिप्स पे और लेंथ में ऑयलिंग कर करके समझते हैं कि अच्छा इससे तो बाल पता नहीं लंबे हो जाने, बाल ने तो रूट से ग्रो करना है और ये भी कि जितनी रूट्स हैं वहीं पे वो ग्रो करेंगे। अगर हम माथे पे ऑयल लगाएंगे तो हेयर लाइन नीचे नहीं आ जाएगी। तो उसको जो है प्रोटीन का इंटेक, एग्स बहुत अच्छे हैं बालों के लिए क्योंकि एग योक के अंदर बायोटिन नेचुरली प्रेजेंट होता है, उसमें आयरन भी होता है। लेकिन वो लोग जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का इशू है उनको फिर हम मना करते हैं कि आप ऑयल ना लें, जो वेट रिडक्शन पे जा रहे हैं, क्योंकि मीडियम फैट है उसके अंदर, तकरीबन 5 grams उसके अंदर फैट होता है एग योक के अंदर, तो उसको आप वाइट्स के साथ रिप्लेस कर लें, 2 whites ले लिया करें या वीक में 3 times आप जो है होल एग खा लें तो वो भी इक्वली हेल्दी है। हेल्दी है, ठीक है। अच्छा, बालों के लिए आपने बोला था भी नट्स उनका इस्तेमाल बड़ा अच्छा होता है, लेकिन नॉर्मली लोगों का कॉन्सेप्ट है, हम हर बार बात करते हैं कि सर्दियों में नट्स ठीक रहते हैं, गर्मियों में हम नट्स खाएंगे तो गर्मी हो जाएगी, दाने निकल आएंगे, तो ये वाली जो मिसकंसेप्शन है। हाँ, ये भी मैं बताती हूँ। पहली बात तो ये कि हॉट एंड कोल्ड थ्योरी जो है ना वो मेडिकल साइंस और इसमें न्यूट्रिशन साइंस में एग्जिस्ट नहीं करती कि हम ये कहें कि अच्छा ये सर्टेन फूड आइटम्स हैं। बहुत से लोग गर्मियों में फिश नहीं खाते, उसके भी पीछे कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि गर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखें कि सिर्फ ये कि नट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, इनमें छोटी अमाउंट में, मतलब एक देखें एक चीज़ है उसका वॉल्यूम कम है उसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सैलड। आपने सैलड का 1 cup खाया, 1 cup सब्जी या कच्ची, तो उसके अंदर 25 calories होंगी, और अगर आपने 1 ounce नट्स ले लिए तो उसके अंदर तकरीबन 150 तक कैलोरीज होंगी, डिपेंडिंग अपॉन उसमें कौन कौन से नट्स थे। तो ये इस चीज़ पर सिर्फ कि वो गर्म नहीं है, बेसिकली उसमें एनर्जी ज़्यादा है, वो आपको ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। तो वो लोग जिनको अक्सर, मतलब मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आपको दिन में 1 times 1 ounce nuts ज़रूर खाने चाहिए या अल्टरनेट डेज पे खाने चाहिए। उससे एक तो आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखता है। और जब जिन लोगों को हार्मोनल इम्बेलेंस है उनको सिर्फ एक्नी नहीं, उनको भी अक्सर हेयर फॉल का इशू होता है, लड़के लड़कियां दोनों में हो जाता है। तो उसमें भी जो अंडरलाइंग हेल्थ इशू है ना उसका प्रॉपर डायग्नोसिस और फिर उसका ट्रीटमेंट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो फिर हेयर लॉस जो है आपका वो चलता रहेगा, हेयर फॉल होता रहता है और फिर हेयर लॉस हो जाए। कुछ लोगों को एलोपेशिया के एक सर्टेन एरिया से बाल वगैरह गिर जाते हैं तो उसमें भी, और फिर एक और जो बड़ा कॉमन इशू है वो है ग्रे हेयर वाला। ग्रे हेयर का ये है कि एक तो ये जीन्स में होता है आपके, जेनेटिक है, इसके ऊपर अभी तक जो है ना कोई ट्रीटमेंट वो निकला नहीं है कि ये जो प्री मेच्योर ग्रेइंग है इसको प्रिवेंट किया जा सके। कुछ उसमें है कि बचपन से ही अगर विटामिंस और मिनरल्स का अगर इंटेक अच्छा है बच्चों का तो उसमें चांसेस हैं कि ये वाला इशू कम नज़र आए, बट सो फार इसके ऊपर जो है कोई ऐसा है नहीं हमारे पास ट्रीटमेंट कि हम ये कहें कि अच्छा ये जो प्री मेच्योर ग्रे हुए हैं इसको हम
क्योर कर लें पूरी तरह से. वो जो आपके जीन्स के अंदर है वो उसकी वजह से आ जाता है. उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कोई सर्टन फूड खा ली थी तो उसकी वजह से आपका हो गया. वो बहुत सारी जो है उसमें मिथ्स हैं या बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं उसकी वजह से नहीं. अच्छा, ये भी कहते हैं ना, और नॉर्मली स्किन के हवाले से भी बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं कि अच्छा फिश को इस चीज़ के साथ आप खाएंगे तो स्किन में ये प्रॉब्लम हो जाता है, फुल बेली हो जाती है. लेकिन हेयर के हवाले से मैं जरूर जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों के बालों के टेक्स्चर डिफरेंट होते हैं और उनके लिए हर एक के लिए डाइट डिफरेंट होती है. मतलब किसी के अगर ड्राई हेयर है या किसी को प्रॉब्लम है, हेयर फॉल के अलावा भी तो बहुत सारे हेयर के इश्यूज हो सकते हैं. बिल्कुल होते हैं, तो उनके लिए डाइट डिफरेंट वेरी करेगी. बालों में बेसिकली ये है कि एक बाल जो है ना वो प्रोटीन से बना होता है. इसमें बेसिक जो प्रोटीन है वो कैराटिन है. अब तो खैर कैराटिन को रिप्लेनिश करने के लिए शैम्पूज, ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में. कैराटिन होता ये है कि ये जो हम शैम्पूज यूज़ करते हैं ना, अब ज़्यादातर जो इशू लोगों में देखने को मिलता है वो है फ्रिजी हेयर का. और ये अभी जैसे ना आजकल ह्यूमिडिटी है तो बालों में एकदम से फ्रिज ज़्यादा आना शुरू हो जाता है. तो उसका एक ही सलूशन है कि सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो यूज़ करें. सल्फेट बेसिकली एक डिटर्जेंट होता है, केमिकल होता है, शैम्पूज वगैरह में, हमारे बॉडी वॉशिंग चीज़ों में पाया जाता है. आप उसमें देख सकते हैं, आप अक्सर लोगों ने उसके कंपनीज ने बाहर लिखा होगा कि ये कैराटिन वाला शैम्पू या कंडीशनर है, लेकिन अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर कैराटिन नहीं होगा और सल्फेट उसमें प्रेजेंट होगा. आपको सोडियम लॉरेट सल्फेट, अमोनियम लॉरेट सल्फेट, ये कॉमन है फॉर्म्स जो उसमें नज़र आती हैं. तो बेसिकली सल्फेट जो है वो आपके बालों से प्रोटीन को वॉश आउट कर देता है. तो उसमें आपने ये देखना है कि इंग्रेडिएंट्स में अगर लिखा हो हाइड्रोलाइज्ड वीट प्रोटीन या कैराटिन, तो ये चीज़ें हैं उसमें. अगर आप इंग्रेडिएंट्स में चेक कर लें तो वो ज़रूर आपके हेयर को रिप्लेनिश कर सकती है. नॉर्मली तो फवा हम पढ़ते ही नहीं है कि हम जॉन से शैम्पू खरीदें. हम सिर्फ बाहर से उसका देखते बॉटल अच्छी है, इस पे लिखा फॉर ड्राई हो, और हम उसकी फ्रेग्रेंस चेक करते हैं और फिर हम कहते हैं अच्छा ये बस अच्छा है. किसी ने कहते हो काउंटर पर खड़ी लड़की कहेगी आपके बालों के लिए ये शैम्पू ठीक है, हमने नहीं पढ़ने की ज़हमत करनी उसमें क्या है क्या नहीं. अच्छा जी, फातिमा हमारे साथ कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी बालों के हवाले से. जी फातिमा करें. एक स्टेज आती है बालों की जब वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, लेंथ भी नहीं बढ़ती है और आजकल डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रही है. तो इस हवाले से अगर वो कुछ बता दें. ठीक हो गया, अभी आपको बताते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फातिमा. अच्छा, डाइट ही बताएंगे ऑब्वियसली हम आपको कि किस तरह डैंड्रफ के लिए कोई स्पेसिफिक होता है उम्र फरवा या ओवरऑल जो बालों ओवरऑल जो आपकी स्कैल्प की कंडीशन है ना, पहली बात तो ये कि अगर तो डैंड्रफ हुआ है क्योंकि अक्सर नमी में हो जाता है. ये बात याद रखें कि जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो आपकी हवा के साथ ट्रैवल करते हैं. वो कहीं पर भी अगर ह्यूमिडिटी वगैरह तो उसके अंदर आपको हो सकता है. तो उसके लिए अपने स्कैल्प जो है उसका एक तो एग्जामिनेशन करवा लें कि वो डैंड्रफ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका वो बिल्कुल फंगस ही हो सकता है, खुश्की भी हो. लेकिन ये याद रखें कि कुछ लोगों का ऑयल के साथ जो है डैंड्रफ वो बढ़ता चला जाता है, स्पेशली कोकोनट ऑयल के साथ कुछ लोगों को उससे डैंड्रफ बढ़ता है. दूसरी बात ये कि वो जो बता रही हैं कि एक टाइम के बाद जो है वो बाल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ नहीं होती, 27 ईयर्स ऑनवर्ड हमारी बॉडी का एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. अब उसमें होता ये है कि आपके जो स्टमक है ना उसकी इतनी अच्छी अब्जॉर्प्शन नहीं रहती न्यूट्रिएंट्स को लेकर. आपको जब ये लगे कि आपके बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही, एक तो हमेशा अपना ये कोशिश करें आपकी डाइट बैलेंस्ड हो, आपका प्रोटीन इनटेक अच्छा हो. प्रोटीन में ज़रूरी नहीं है कि आपने रोज़ गोश्त वाली चीज़ खानी. अगर आप दो तीन दालों को मिक्स करके पका लेते हैं तो उसके अमाइनो एसिड्स पूरे हो जाते हैं, वो गुड क्वालिटी प्रोटीन बन जाता है उससे, तो आप वो ले सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको स्टिल कोई बंदा अगर डाइट वगैरह पर है, क्योंकि यूजुअली अब हम डाइट कॉन्शियस हो चुके हुए हैं, तो अगर हम वेट कॉन्शियस हैं और हमने अपनी ज़ाहिर है वेट तभी कम होता है जब हम अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट से कम खाना देना शुरू करते हैं, तो उसके लिए फिर ये ज़रूरी होता है कि आप बॉडी को एटलीस्ट कोई विटामिन या मिनरल सप्लीमेंट जो है वो साथ देना शुरू कर दे. उसको दूध के साथ नहीं लेना, उसको आपने पानी के साथ लेना. कुछ लोगों को आयरन वाला सप्लीमेंट खा के कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या कुछ केसेस में लोगों को डायरिया भी हो जाता है, तो उसके लिए बेहतर होता है कि वो आप खाने के साथ ले लें अपना. तो जब डाइट को आप बैलेंस रखेंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो ही बालों के अंदर से ग्रोथ होगी. और बालों का जो मसाज है, बालों की बेसिकली सर में जो है ना मसाज का मकसद ये होता है कि आपने सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है उस एरिया में.
हम वो जो रगड़ रगड़ के तेज मालिश करते मालिशें कराते हैं ना, मेड आ जाए हेल्पर आ जाए जो हमारे सर में झास वो कर दे अच्छी तरह उसमें, और अम्मियां भी उम्र ऐसे बदले उतारती हैं बालों में अपनी फिंगर टिप्स के साथ सर्कुलर मोशन में अगर आप उसको करते हैं तो उससे आपकी हौसले के साथ मसाज करें आप बिल्कुल बहुत ही जहराना किस्म का तशद्दुद ना करें। नॉर्मली घरों में प्रैक्टिस होती है कि आओ मैं ऑयलिंग कर दूं तो वो बहुत तेज तेज करते हैं, उससे आपके बाल रूट से वीक हो जाते हैं। और ऑयलिंग का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि आपने भर भर के तेल लगाना है, ऑयलिंग का कॉन्सेप्ट ये कि आपने इतना लगाना है जितना आपके बालों को उसकी जरूरत exactly, है जरूरत और आपकी रूट्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा फरवा, कुछ लोग टोटली सप्लीमेंट्स पे डिपेंड कर देते हैं और वो कहते वो भी हैं गलत करते वो है। किस तरह से उनके हवाले से बताइए। उसमें यह कि सप्लीमेंट्स की हर किसी को जरूरत नहीं होती, जब तक आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया आपको सप्लीमेंट्स पे नहीं जाना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए आप डाइट से ले लें। अब कुछ लोगों को अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है तो वो कहते हैं भाई हम इतने फल सब्जियां कहाँ से खाएं। आप अगर कोई सिंपल एक भी सब्जी सिर्फ सैलड में खा रहे हैं, खाली अगर खीरा है आप ना उसमें आइसबर्ग लेटस डालें, आप खाली खीरा और अगर कैबेज ही ले रहे हैं तो वो भी आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह जो आपका सीजनल फ्रूट होता है वो कंपैरेटिवली चीपर होता है, बजाय कि हम आउट ऑफ सीजन जो कोई भी फ्रूट है हम अब यहाँ पर बहुत लोगों में आ गए जी आप एवोकाडो खा लें वो आपको एक पीस वैसे इतना एक्सपेंसिव मिल रहा है, तो आपने ऐसी चीज़ क्यों लेनी है। जो भी आपके फल और सब्जियां सीजन में हैं आप डेली अगर 2 से 3 फ्रूट्स की सर्विंग ले रहे हैं, सर्विंग साइज उसका एक ये बनता है कि एक कोई भी दरमियाने साइज का फल, या अगर आपने उसके क्यूब्स खाने हैं मिक्स फ्रूट है तो 1 कप कटा हुआ तकरीबन हाफ कप होता है, लेकिन जिस तरह वाटर मेलन एक वाटरी फ्रूट है, मेलन वाटरी फ्रूट है तो इसका 1 कप आप खा सकते हैं। तो अगर आप डेली 2 से 3 सर्विंग एक नॉर्मल पर्सन की मैं बात कर रही हूँ ले रहे हैं तो उसमें आपको डेफिशिएंसी नहीं होगी, उसमें आप बचे रहेंगे। वो कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि वो लोग जिन्हें जिस तरह प्रेग्नेंट वुमेन को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, फिर कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जिस तरह सेलिक डिजीज़ है, वीट एलर्जी जिन लोगों को होती है उनको सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, साथ डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब वो मेटफॉर्मिन लेते हैं एक मेडिसन है जो शुगर को कंट्रोल करती है तो उसके साथ बी विटामिंस की डेफिशिएंसी होती है। तो ये हर किसी का केस डिफरेंट होता है, खुद ही अपनी मर्जी से सर्च करके बहुत सारे लोग हैं कि वो अगर पाकिस्तान से बाहर गए वहाँ से एक वन अ डे वाली बड़ी सी टैबलेट ले आएंगे उसको खाना शुरू कर देंगे। तो आपके जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड सप्लीमेंट्स हैं दे आर इक्वली गुड, आप वो वाले भी खा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपने 5-6 हज़ार वाली ही अगर सप्लीमेंट की बॉटल ली तो उसी से आपको फ़र्क पड़ेगा। और एक और जो बहुत कॉमन मसला जो लड़कों के साथ है कि वो जिम जाते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर ने कह दिया आपने दूध दही वाली चीज़ें नहीं खानी, आप ये वाला सप्लीमेंट अलग से लेकर इस्तेमाल कर लें, वो वाला काम मत करें क्योंकि वो जो आपने दूध दही को स्टॉप किया तो उसी के अंदर वे प्रोटीन थे जो आपको मिल रहा था और आप एक दूसरे सोर्स से ले रहे हैं तो नेचुरल अगर डाइट से मिल रहा है तो वो आप लें। और जब आप अपनी डाइट में खुद ही से चेंजेस करते हैं जिस तरह आप अगर आप बिल्कुल 100% प्रोटीन डाइट पर चले गए और आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही थी, कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत ज़रूरी सोर्स है एनर्जी का क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन के साथ देते हैं यानी नाश्ता वाली चीज़ें रोटी चावल वगैरह तो ही प्रोटीन जो है वो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम कर सकता है बॉडी में। अगर आपको ये लगता है कि हमने खाली गोश्त या अंडे ये चीज़ें खाई साथ हमने कोई ऐसी ब्रेड वगैरह या रोटी ऐसी चीज़ नहीं ली तो प्रोटीन आपको एनर्जी देगा लेकिन जो उसका एक इम्पॉर्टेंट काम था कि उसने ग्रोथ करनी थी, उसने रिपेयर करनी थी, उसने मेंटेनेंस करनी थी वो नहीं हो सकेगा। ठीक हो गया। मैं फवा एक छोटा सा मैसेज आज के टॉपिक के हवाले से हमारे देखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें बैलेंस डाइट लें, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब आप हाई फाइबर डाइट लेते हैं उसके साथ आपको आधा लीटर पानी बढ़ाना पड़ता है अपना, तो जितना अच्छा आप पानी का अपना रखेंगे इनटेक, जितना अच्छा आपका डाइट्री इनटेक होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका स्लीप पैटर्न जो है रात को 10 से 11 बजे वाला टाइम होता है जब आपकी स्किन रिन्यूअल का टाइम हो रहा होता है, तो उसमें अगर आप टाइम से सो जाएं तो आपकी बॉडी को भी रिपेयर होने का टाइम मिल जाएगा। लवली, थैंक यू वेरी मच उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह में फरवा ने आपको अच्छे बालों अच्छी स्किन के लिए इतनी ज़बरदस्त टिप्स दे दी हैं, अच्छी डाइट करें, बैलेंस डाइट करें ताकि आपके बाल और स्किन अच्छी रहें और टोटके इस्तेमाल करने की बजाय अपनी डाइट पे फोकस करें क्योंकि ये बेसिक एक फैक्टर है जिससे आपकी स्किन भी अच्छी हो सकती है और आपके बाल भी अच्छे होंगे। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है।